जोगावर। तुमने मुझे यहाँ हैप्पी दिवाली कहने को बुलाया है, पर दिवाली तो कल है। दिवाली तो कल है, पर इस बार फंटूश नगर में दिवाली नहीं मनेगी। तुम सब पटाखे चोरी कर लेना और मैं सब मिठाई चोरी कर लूंगा। अगर मंजूर हो तो मिलाओ हाथ। वेरी गुड, मैं भी चाहता हूँ कि फंटूश नगर में दिवाली ना मने बल्कि सबका दिवाला निकल जाए ताकि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। समझे? समझ गया। मिमिक्री भाव। आओ रे, मस्त मीठी मिठाई खाओ रे, दोस्त यार रिश्तेदारों पड़ोसियों को खिलाओ रे, आओ रे बाबा आओ रे। चोर चोर पकड़ो, ये चोर तो मेरा सब कुछ ले गया रे। अरे कुछ पकड़ो उसे। चोर चोर पकड़ो, पुलिस चोर। वो देखो जोगावर चोरी करके भाग रहा है और उसके पीछे कोई और भी बैठा है। चलो पकड़ते हैं। ओए बंदूकनी जी, वो देखो चोर मिठाई और पटाखे चुरा के भाग रहे हैं। अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, इनकी इतनी हिम्मत। बहादुर सिंह फॉरवर्ड मार। ओए भैंस की पूछ, परेड करने को नहीं कह रही, जीप से पीछा करो जल्दी। अरे ये तो चाचा भतीजा लगे हैं, ये लोग भी चोरी करने लगे, लेकिन छोड़ूंगी नहीं उन्हें, चोर तो चोर है। चाचू इधर से शॉर्टकट लो, हम उनके आगे निकल जाएंगे। ओके भतीजे। ओए हम फर्स्ट आ गए, ओए हम फर्स्ट आ गए। ओ चाचू हम रेस नहीं लगा रहे, उन्हें पकड़ना है। ओ सॉरी भतीजे, मैं जरा जोश में आ गया था। ओ जोगावर और खाऊ चोर, ओ लूट का सब माल इधर छोड़ दो, ओ दिवाली के मौके पे चोरी नहीं करते। ओए बावड़ी बूझ, वो रहे चाचा भतीजा, ब्रेक मार। चाचे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू चोरियां भी करेगा, भल्ला ने तनख्वाह नहीं दी क्या? तू चल मैं भल्ला से बात करती हूँ। और शूटिंग चल रही है क्या? तुम दोनों यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो, चलो भागो। बंदूकनी जी चोरी हमने नहीं की, जोगावर और खाऊ चोर ने की है। तो उनका पीछा कर रहे थे और आपने उनको ही भगा दिया। अब मैं भी भैंस की पूछूं, ये सोच भी कैसे लिया कि चाचा भतीजा चोरी कर सकते हैं? सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। यस यस बंदूकनी हियर। क्या चोरी हो गई? कहाँ? हेलो हेलो। अब बावड़ी पूछ, अरे अब भैंस की पूछ, अब बावड़ी अब भैंस की। हेलो बंदूक ने जी, जोगावर कहाँ छुपा है पता चल गया है। हाँ हाँ ट्रक बहुत जल्दी। बहादुर जीप निकाल। ओए भैंस की पूछ, जीप नहीं जीप जीप। चाचे चोर कहाँ छुपा है पता चल गया है, अभी उसे पकड़ के लाती हूँ। ये लाइट भी अभी जानी थी, कोई बात नहीं उसे तो मैं अंधेरे में भी पकड़ लूंगी। रब बाहर निकल जोगावर, आज तो तू बच के ना जा सके है, कानून के हाथ और बंदूक की निकिलात से कोई ना बच सके है। ये क्या कर रहे हो?
गाड़ी, इस चोर की डेन को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दूंगी। मेरे ख्याल से ये आपका ही घर है जो आप तोड़ रही हैं। ओए। ओए भैंस की पूछ, ये तो मेरा ही घर है। जोगावर ने जानबूझ के आपको ये एड्रेस दिया होगा और पूरे शहर की लाइट्स भी उसी ने ऑफ की होंगी ताकि आप अपना घर अंधेरे में पहचान न पाए। मिमिक्री भाव। बंदूकनी जी उसे छोड़ना मत, मेरा सब कुछ ले गया वो। सोचा था दिवाली में मिठाई बेच के 4 पैसे कमाऊंगा, वो तो मेरी पूरी मेहनत की कमाई ही ले गया। छोड़ना मत उसे। मिमिक्री भाई आप चिंता ना करो, वो पकड़ा जाएगा। भतीजे हम दिवाली कैसे मनाएंगे, हर दुकान से तो पटाखे और मिठाई चोरी हो रही है। कई दुकानदार तो डर के मारे दुकान ही नहीं खोल रहे। इस दिवाली में हम क्या करेंगे? दिवाली मनेगी और जरूर मनेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन कैसे मनेगी भतीजे, ये तो बता। बंदूकनी जी जोगावर आज भी चोरियां करेगा और अब जब किसी का फोन आए सबको बोलिए कि जोगावर की डेन का पता चल गया है और आप रेड मारने जा रही हैं। फिर जोगावर डेन से निकल के भागेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। हेलो बंदूकनी जी, जोगावर कहाँ छुपा है पता चल गया है? अरे मुझे भी उसकी डेन का पता चल गया है। हाँ? मैं रेड मारने जा रही हूँ। थैंक्स एनीवेज, आज दिवाली जरूर मनेगी। अरे खाओ चोर, मिठाई खाना बंद कर, सामान लपेटो और भागो। पता नहीं कैसे बंदूक सिंह को हमारे अड्डे का पता चल गया है, वो रेड मारने आ रही है। जी चूहा बिल से निकल आया है। जोगावर फंटूश नगर के ईस्टर्न हाईवे की तरफ से जा रहा है। शहर से बाहर जाने वाले सब रास्ते पे नाकाबंदी करवा दीजिए। ऐसी नाकाबंदी करवाइए कि जोगावर को मजबूरी में फंटूश नगर प्लेग्राउंड में ही आना पड़े। ओके भतीजे। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हेलो 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 हेडक्वार्टर, हेलो हेलो हेलो। मिमिक्री भाई शहर के सब बच्चों और लोगों को लेकर फंटूश नगर प्लेग्राउंड में आ जाइए, आज दिवाली हम सब एक साथ मनाएंगे। चल रोजी पलट। जोगावर भागने की कोई जगह ना है, रुक जा, सरेंडर कर दे। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर सरेंडर नहीं करता। रोजी कुछ करो। डोंट वरी जोगावर, अब देखो मैं क्या करती हूँ। यूकी इस बाइक पे 3 सवारी का बैठना मना है। चाचा सुनो आइडिया। नहीं, मेरी मिठाई मत ले जाओ। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर सरेंडर नहीं करता। रोजी चल निकल ले यहाँ से, पटाखे आ गए, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। रे भैंस की पूछ, उतर उतर मेरी जीप से।
ताकत हमें नहीं पकड़ सकती। सुनता क्यों ना मैंने कहा उत्तर। चलो क्राइम मास्टर एंड खाओ चोर, इब चल के जेल में दिवाली मनाना। ये क्या? अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हैप्पी दिवाली। पंतोष नगर के निवासियों, आज के दिन जो बच्चा ज्यादा अच्छे काम करेगा नेताजी उसे बच्चा नंबर वन अवार्ड देंगे। अच्छे काम करने वाले को बंदूक निजी स्टार देगी, और सबसे ज्यादा स्टार वाले को मिलेगा बच्चा नंबर वन अवार्ड। तो बच्चों सब तैयार? यस। ओके नेताजी। ओ भतीजे, मुझे पूरा विश्वास है बच्चा नंबर वन अवार्ड तुम ही जीतोगे। बच्चा नंबर वन अवार्ड तो मैं ही जीतूंगा। भतीजे को हर कीमत पर हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हराओगे कैसे ये तो बताओ। पहले मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और फिर उसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। अरे राजू, तुम्हारे पड़ोसी एक महीने के लिए बाहर गए हैं ना, और ये कोई नहीं जानता कि उनके घर की चाबी तुम्हारे पास है। सुनो क्या करना है। चलो। नहीं चाचू, आज हर काम मुझे अकेले करना है, आपकी मदद नहीं ले सकता। इसे बहुत जल्दी है पप्पी को बचाने की, इसकी स्पीड तो मैं अभी बढ़ाता हूँ। कर दिया, पहले चोरों को पकड़वाया और अब पप्पी को भी बचा लिया। दो अच्छे कामों के लिए ये ले 2 स्टार। वो मेरा स्टार है।
पर मुझे ही नहीं मिल रहा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं एक नहीं कई स्टार्स एक साथ जीत जाऊं और बच्चा नंबर वन अवार्ड मुझे ही मिल जाए। अरे बिट्टू, रोते रहोगे तो बच्चा नंबर वन अवार्ड भतीजे को ही मिलेगा, कुछ करो। भतीजा हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है, मुझे इस बच्चे की मदद करनी होगी। भतीजा जीता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जीजे ये बच्चा आपको देख के ही डर जाएगा, आपसे मदद क्यों लेगा? मेरी मदद नहीं लेगा, लेकिन एक शरीफ इंसान की मदद तो लेगा। चलो लेट्स गो। हेलो बच्चे, क्यों रो रहे हो? उस लड़के को साल पे सांस मिल रहे हैं और मुझे एक भी नहीं मिला है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। सुनो, मैं गुंडे का भेस बना के एक बैंक की कैश वैन को लूटने की एक्टिंग करूंगा, जिसमें करोड़ों रुपए होंगे। तुम एक रस्सी का फंदा बना के वैन के पीछे वाले हुक में अटका देना। और फिर बच्चा नंबर वन अवार्ड सिर्फ तुम्हारा। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो, आपसे ज्यादा शरीफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों। अरे डायलॉग तो पूरा बोलने दो। बचाओ, मदद करो, वो लोग करोड़ों का कैश लेकर भाग रहे हैं। ए, बिट्टू के शहर में कोई दंगा नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। चाचू, मैं जा रहा हूँ उस वैन को बचाने, आप बंदूक की सिंह को लेकर आओ। चाचू, अपनी चाल उल्टी पड़ गई, जो बचाने आ रहा था वो खुद अटक गया और भतीजा पीछे आ रहा है, अब वैन नहीं रोक सकते। ये भतीजा मेरा पीछा कब छोड़ेगा? अब आराम है थोड़ा। आज तुम नहीं बचोगे। अरे ढोलकी अंकल, तो ये सब आप कर रहे हैं? ढोलकी अंकल, पीछे बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। कोई बेवकूफ समझाए क्या? मैं पीछे देखूंगा और तू मुझे मार के वैन से गिरा देगा। ये तरकीबें तो हम बचपन में क्या करते थे। ओ यार, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, चल मैं पीछे देख ही लेता हूँ। हाय डंका अंकल। ओए तो फिर आ गया डंका अंकल, वैन रोक दो। किस नहीं रोकूंगा, अभी साफ करता हूँ ये अंडे। भतीजे चोट तो नहीं लगी? चाचा के होते भतीजे को चोट लग सकती है क्या? बुरे काम का बुरा नतीजा।
क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। हे, पहले चोर को पकड़वाया, फिर एक पप्पी की जान बचाई, और फिर स्कूल के कई बच्चों को भी बचाया। बच्चा नंबर वन अवार्ड गोज टू भतीजा। मुझे वो ट्रॉफी चाहिए थी। बले बले।